अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलेगा वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब इस पार्ट की शुरुआत में हमें जानवरों की फूड चेन को दिखाया जाता है कि कैसे बड़े जानवर लाखों सालों से छोटे जानवरों को खाते आ रहे हैं, और उन बड़े जानवरों को भी उनसे भी बड़ा जानवर खा जाता है, जो प्रोसेस आज भी चल रहा है और हमेशा चलता रहेगा। इसके बाद सीन अब प्रेजेंट समय पर मुड़ जाती है, जहां हम जोन्स को देखते हैं, जो चोरी छुपे किसी जहाज पर सवार होता है। दरअसल उसे खबर मिली थी कि इस जहाज से कुछ रेडियो एक्टिव वेस्ट समुद्र में फेंके जाने वाले हैं, जिससे समुद्र प्रदूषित हो सकती है। इसलिए जोन्स इसमें शामिल सभी लोगों को बेनकाब करना चाहता है, ताकि आइंदा से वो ये काम ना कर पाए। लेकिन जब जोन्स वहाँ रखी एक रिकॉर्ड बुक से उन सारे लोगों का डेटा निकाल रहा होता है कि तभी जहाज पर सभी लोग उसे देख लेते हैं, और अब वो बचकर ना निकल जाए इसलिए चारों तरफ से उसे घेर लेते हैं। लेकिन फिर भी जोन्स बड़े आराम से पानी में कूद जाता है, जहां उसे बचाने मैक अपने एक साथी के साथ आता है, जो जोन्स को अपने प्लेन में सवार करके उसे वहां से ले जाता है। अब जोन्स के पास उन लोगों के खिलाफ सबूत होते हैं, जो वो पुलिस को देकर उन सभी को पकड़वा देगा जिनका भी आज समुन्द्र को प्रदूषित करने में शामिल है। दूसरी तरफ हम मैक्स नाम के आदमी को देखते हैं, जो जैंग का ही बेटा है, और जैंग पिछले पार्ट में अपनी बेटी सुयेंग के साथ मिलकर एक रिसर्च इंस्टीट्यूट चलाता था, जहां उसने ये पता लगाया था कि अब तक की खोजी गई समुंदर की सबसे गहराई जगह मेरियाना ट्रेंच नहीं है, बल्कि उसके नीचे भी एक दुनिया बसती है जिससे बाकी लोग अनजान है। लेकिन उस दुनिया की खोज से उन्हें कितनी बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा वो हमने पहले पार्ट में देख ही लिया है। साथ ही इस पार्ट में सुयेंग की भी मृत्यु हो चुकी है, इसलिए अब मैक्स इस रिसर्च इंस्टीट्यूट को चलाता है, जिस इंस्टीट्यूट में हिलरी नाम की उसकी एक पार्टनर भी है। इसके बाद मैक्स एक सूट को ट्राई करता है, क्योंकि उसकी कंपनी ने एक ऐसा सूट बनाया है जो मेरीना ट्रेंच के नीचे काफी गहराई में भी रिसर्चर्स को ज्यादा समय तक सांस लेने में मदद करेगा और ताकत भी देगा, ताकि वो किसी भी अनजान और छोटे क्रीचर से लड़ सके। अब अगले सीन में मैक्स एक बड़े से पिंजरे के अंदर जाता है, जहाँ एक मेगलोडॉन रहती है जिसे उसने बचपन से पाला है, और अभी वो यहाँ इसलिए आया है ताकि बाकियों को ये दिखा सके कि मेगलोडॉन के अंदर भी भावनाएं होती है, और अगर उसे कोई बचपन से पाले तो वो उसका कहना भी मानती है। पर जोन्स को मैक्स का ये आइडिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब मेगलोडॉन वहाँ आती है तो मैक्स उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन मेगलोडॉन उसकी एक बात नहीं सुनती। मैक्स अब उसे सोना साउंड की मदद से भी रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। और अब जैसे ही मेगलोडॉन उस पर हमला करने ही वाली होती है, वो समय रहते वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद जोन्स और बाकी उसी रिसर्च इंस्टीट्यूट आते हैं, जहाँ से उन्होंने मेरीना ट्रेंच के अंदर जाने का रास्ता ढूंढा था, और वहाँ आने के बाद वो सभी फिर से मेरियाना ट्रेंच के नीचे वाली दुनिया को एक्सप्लोर करने का तय करते हैं। तो वहीं वो मेगलोडॉन जिसे मैक्स ने पिंजरे में रखा था, वो पिंजरा तोड़कर वहाँ से भाग जाती है। इधर जोन्स और बाकी जैसे ही समुद्र की गहराइयों में उतरते हैं, उन्हें रडार पर किसी के आसपास होने का आभास होता है, जो काफी तेजी से उनके ही तरफ बढ़ रहा था। तब जांच करने पर उन्हें पता चलता है कि ये तो वही मेगलोडॉन है जिसे मैक्स ने पाला है, जो वहाँ से भागकर समरे की लड़ाई का पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच चुकी है, जो देखकर सभी दंग रह जाते हैं। इसलिए मेगलोडॉन से बचने के लिए उसी मेरीना ट्रेंच से नीचे वाली जगह के अंदर चले जाते हैं। आप थोड़ी दूर आने के बाद वो सभी ये देखकर एकदम अचंभित रह जाते हैं कि समुंदर की इतनी गहराई में एक स्टेशन बना हुआ है जिसके अंदर काफी ज्यादा हलचल हो रही है। जोन्स और बाकियों को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता कि समुंदर के अंदर इतनी गहराई में स्टेशन कौन बना सकता है। तभी वहाँ डेविड नाम का आदमी जोन्स और बाकियों को देख लेता है, जो वहाँ पड़े पत्थरों पर बॉम्ब लगा रहा था, क्योंकि ये पूरा स्टेशन एक माइनिंग स्टेशन है, और यहाँ से डेविड पृथ्वी के रेयर मिनरल्स को निकालने का काम करता है। पर जोन्स और बाकियों के वहाँ आ जाने से उसका प्लान चौपट ना हो जाए, इसलिए वो वहाँ लगे सारे बॉम्ब को विस्फोट करना शुरू कर देता है, जिससे जोन्स और बाकियों की सबमरीन धमाके से निकले मलबे में दब जाती है, जिससे उनका संपर्क कंट्रोल रूम से टूट जाता है। आप कंट्रोल रूम से मैक जोन्स और बाकियों को रेस्क्यू सबमरीन के जरिए वहाँ से निकालने की तैयारी करने लगता है, लेकिन वो ये देखकर एकदम परेशान रह जाता है कि किसी ने सारी की सारी रेस्क्यू सबमरीन को खराब कर दिया, वो भी इस तरह से कि वो फिर से ठीक ना हो सके।
इधर जोन्स और बाकी जैसे तैसे मैक से संपर्क करके उसे तुरंत रेस्क्यू सबमरीन में भेजने को कहते हैं। लेकिन तब मैक उन्हें यही दुखद खबर देता है कि सारी रेस्क्यू सबमरीन खराब हो चुकी है, इसलिए तुम्हें समुद्र की सतह से चलते हुए हमारे एक रिसर्च स्टेशन तक आना होगा, जो तुम्हें 2 घंटों में तय करना होगा, वो भी सारे क्रीचर से बचते हुए, क्योंकि मैक्स का बनाया सूट 2 घंटे तक ही ऑक्सीजन दे सकता है। जो बाहर जाकर जोन्स एकदम हैरान रह जाता है, लेकिन वो कर भी क्या सकता था, जान बचाने का इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। इसलिए अब जोन्स सभी को तैयार होने को कहता है ताकि वो यहाँ से स्टेशन तक चलकर जा सके। आप सभी समुद्र के 25,000 फीट गहराई में सतह से होते हुए आगे बढ़ने लगते हैं ताकि जल्द से जल्द उस रिसर्च स्टेशन तक पहुंच सके। लेकिन थोड़ी दूर आते ही उनकी तरफ कुछ ऐसे क्रीचर्स बढ़ने लगते हैं जिनके बारे में आज तक किसी ने सुना भी नहीं था, और वो सभी जोन्स और बाकियों को अपना शिकार समझकर उन पर हमला शुरू कर देते हैं, जिसमें कुछ लोग मारे भी जाते हैं। इधर डेविड को हिलरी का वीडियो कॉल आता है जहां वो उसे कहती है कि तुमने जोन्स और बाकियों को जीवित छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि वो सभी रिसर्च स्टेशन जा रहे हैं, अगर वो बच गए तो हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। यानी कि हिलरी और डेविड मिले हुए जो इलीगली माइनिंग करके मिनरल्स निकालने का काम करते हैं ताकि उसे बेचकर अच्छे पैसे कमा सके। दूसरी तरफ जोन्स और बाकियों का ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो चुका था, जिससे उन्हें काफी तकलीफ हो रही होती है, लेकिन ये मुसीबत उनके लिए कम नहीं थी, क्योंकि अब उनकी मुसीबत और बढ़ाने वहाँ मेगलोडॉन आ जाती है, जो उन सभी पर हमला करके कई लोगों को कच्चा निकल जाती है। लेकिन जोन्स, मैक्स, उसकी बहन जी सैरा और एक लड़की जेनी जैसे तैसे उससे बचकर रिसर्च स्टेशन आने में सफल हो जाते हैं। आप सभी उस रिसर्च स्टेशन को एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि डेविड ने अभी इस रिसर्च स्टेशन को अपना अड्डा बना लिया है, जहां वो रेयर मिनरल्स को लाकर रखता है। इसके बाद वो सभी फिर से कंट्रोल रूम से संपर्क करने की कोशिश करते हैं और भागे से उनका संपर्क हो भी जाता है, जहां से अब जैस नाम की लड़की उन्हें बताती है कि रिसर्च स्टेशन पर कुछ इमरजेंसी पॉड्स है, आप लोग उनकी मदद से यहां आ सकते हो। इसलिए अब जोन्स और बाकी उन पॉड्स के पास आते हैं, लेकिन वहां सिर्फ 2 ही पॉड्स थे। तब जैस अपना असली रंग दिखाती है कि अगर तुम सबको मारकर हमारे साथ शामिल हो जाओ तो हम तुम्हें मालामाल कर देंगे, और अगर नहीं तो आगे जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगे। जो सुनकर जोन्स एकदम दंग रह जाता है कि जैसे उनके टीम मेंबर की होकर उनके साथ इतनी बड़ी गद्दारी कैसे कर सकती है, और हो ना हो रेस्क्यू सबमरीन को भी बर्बाद करने में उसका ही आता है, इसलिए वो उसके सौदे को साफ मना कर देता है। जिस पर अब जैसे उन सभी की यहाँ से बाहर निकलने की आखिरी उम्मीद उस पॉड को भी वहाँ से डिस्पैच कर देती है। तब हिलरी सभी से कहती कि तुम लोग वहीं फंस कर रह जाओगे, क्योंकि मैंने तुम लोगों के मरने का पूरा बंदोबस्त कर दिया है, जो इतना कहने के बाद उस जगह को ही लॉक कर देती है, जिसके बाद अब वहाँ पानी भरना शुरू हो जाता है। अब जोन्स ये तय करता है कि वो तैरकर रिसर्च स्टेशन के पीछे जाएगा और वहाँ जाकर रिसर्च स्टेशन के एयरलॉक को खोल देगा, जिससे पानी बाहर निकल जाएगा, और ये काम सिर्फ वही कर सकता है, क्योंकि बाकियों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बिना ऑक्सीजन के इतनी दूर जा सके। इसीलिए जोन्स हिम्मत दिखाते हुए वहाँ जाने का तय करता है, और काफी कोशिशों के बाद वो एयरलॉक तक पहुँच ही जाता है। लेकिन अब वहाँ डेविड आकर उसे लड़ना शुरू कर देता है, पर आखिर में जोन्स उसे मारकर बेहोश कर देता है और एयरलॉक को खोलकर बाकियों को भी बचा लेता है। आप जोन्स और बाकी डेविड की सबमरीन का प्रयोग करके वहां से निकलने का तय करते हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा खतरा मेगलोडॉन उनके बाहर निकलने का इंतजार कर रही होती है, ताकि जैसे ही वो लोग बाहर आए उन्हें अपना शिकार बना ले। तब जोन्स उसका ध्यान भटकाने के लिए रिसर्च स्टेशन की लाइट चालू कर देता है, जिससे मेगलोडॉन लाइट से आकर्षित होकर उस तरफ जाने लगती है, और तब तक सभी वहां से निकल जाते हैं। लेकिन जैसे वो मेरीना ट्रेंच के ऊपर आते हैं, उनका पीछा करते हुए एक बहुत ही भयंकर ऑक्टोपस बाहर आ जाता है, जो अब मेरीना ट्रेंच के नीचे वाली दुनिया से निकलकर सामान्य समुद्र में आ चुका था, क्योंकि मेरीना ट्रेंच के नीचे थर्मोसिलिन की परत होती है, जिसके नीचे मेगलोडॉन और बाकी क्रीचर्स की दुनिया है, जो थर्मोसिलिन की परत को पार करके सामान्य दुनिया में नहीं आ सकते। लेकिन जोन्स और बाकियों के उससे बाहर निकलने के कारण वहाँ कुछ समय के लिए एक गड्ढा बन गया था, जिसे ठीक होने में करीब 1 घंटे का समय लगता है, और उसी मौके का फायदा उठाकर वो ऑक्टोपस वहाँ से निकल गया। आप जोन्स और बाकी कंट्रोल रूम के पास आते हैं, जहाँ चारों तरफ उन्हें हिलरी के साथी दिखाई देते हैं, जिन्होंने उनके इंस्टीट्यूट पर अपना कब्जा कर लिया था। इसलिए जोन्स और बाकी छुप कर अंदर जाते हैं और हिलरी के साथियों को अपने रास्ते से हटाते हुए मैक और उसके एक और साथी तक पहुँच जाते हैं।
वहीं डेविड भी कंट्रोल रूम में आ चुका था, जो तुरंजेस को ये सूचना देता है कि जोन्स और बाकी यहाँ पहुंच चुके हैं। लेकिन इससे पहले कि वो जोन्स और बाकियों को रोकने के लिए कोई कदम उठाती, समुंदर में उन्हें तीन मेगलोडॉन दिखाई देती है, जिन्होंने भी थर्मोसेलिन की परत को बंद होने से पहले पार कर लिया था, और उनमें से एक मेगलोडॉन सीधे जेस पर हमला करके उसे निगल जाती है। दूसरी तरफ जोन्स और बाकी एक छोटी नाव के जरिए समुंदर में उतर जाते हैं और उसके जरिए सबसे नजदीकी आइलैंड की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन उनसे पहले ही हेलीकॉप्टर की मदद से डेविड और हिलरी वहाँ पहुँच जाते हैं। आप जोन जब उस आइलैंड के पास आता है तो उसे वहाँ कई सारे लोग समुद्र के किनारे मस्ती करते हुए दिखाई देते हैं। वो उन सभी को वहाँ से जाने को कहता है क्योंकि किसी भी समय मेगलोडॉन यहाँ पहुँच सकती है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। वहाँ इधर डेविड और बाकियों पर अजीब क्रिएचर्स हमला कर देते हैं, जिससे बचने के लिए वो उस पर गोलियां चलाते हैं, और तब गोलियों की आवाज सुनकर हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लेकिन तब तक वहाँ मेगलोडॉन पहुंचकर सभी पर हमला कर देती है और एक साथ कई लोगों को अपना शिकार बनाती है। वहीं वो क्रिएचर्स मिलकर हिलरी का खेल खत्म कर देते हैं। आप जोन्स उन मेगलोडॉन का ध्यान भटकाने के लिए जेट स्की पर सवार होकर उन सभी को अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है, और थोड़ी दूर आने के बाद वो एक बॉम्ब लगे भाले की मदद से एक का खेल वहीं खत्म कर देता है। दूसरी तरफ मैक और मैक्स तुरंत हेलीकॉप्टर के पास आते हैं ताकि यहाँ से बचकर निकल सके, लेकिन तभी क्रिएचर्स वहाँ भी आने लगते हैं। इसलिए मैक्स उन पर पेट्रोल छिड़क देता है और अब मैक उन क्रिएचर्स को शूट करके उनमें आग लगा देता है, जिसके बाद समय रहते मैक्स आग से बचते हुए हेलीकॉप्टर में सवार हो जाता है। वहीं वो ऑक्टोपस भी वहाँ पहुँच चुका था, जो लोगों को खाना शुरू कर देता है। इधर मैक्स सैरा को भी हेलीकॉप्टर में बिठाने की कोशिश करता है, लेकिन तब ऑक्टोपस हेलीकॉप्टर को अपने टेंटिकल्स में जकड़ लेता है। मैक्स तो इससे नीचे कूद जाता है, पर दुर्भाग्य से मैक अंदर ही फंस जाता है और तब हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। दूसरी तरफ जोन्स भागते हुए समुद्र के किनारे आ जाता है, जहां उसका पीछा करते हुए मेगलोडॉन भी पहुंच जाती है, पर अब जैसे ही वो जोन्स पर हमला करने वाली होती है कि भागे से वो वहां लगी चेन में फंस जाती है, जिससे जोन्स की जान तो बच जाती है। लेकिन अब वहां डेविड आकर जोन्स पर गोलियां बरसाने लगता है, पर जोन्स जैसे तैसे गन छीन कर उसे ऐसी जोरदार किक मारता है कि डेविड सीधे मेगलोडॉन के मुंह में जाकर गिरता है, जिससे डेविड मारा जाता है। इधर दूसरी मुसीबत वो ऑक्टोपस बेचारे मैक्स को अपने टेंटिकल्स में जकड़ कर सीधे समुंदर के अंदर ले जाता है, लेकिन मैक्स भी कम नहीं था, वो उसके शरीर में बॉम्ब लगा देता है, पर तभी वहाँ मेगलोडॉन आकर ऑक्टोपस पर हमला कर देती है, और ये सीन देखने में काफी जबरदस्त होता है, जहाँ दो खतरनाक और विशालकाय जीव आपस में लड़ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ भी मेगलोडॉन ऑक्टोपस पर भारी पड़ जाती है, जो अपने खतरनाक जड़ों से उसका खेल वहीं खत्म कर देती है। इधर मैक्स मौका देकर वहाँ से निकल जाता है, जहाँ रास्ते में उसे मैक हेलीकॉप्टर में फंसा दिखाई देता है, इसलिए वो तुरंत उसे बचाने पड़ता है। लेकिन अब वहाँ एक और मेगलोडॉन आ जाती है, जो मैक्स और बाकियों की तरफ बढ़ने लगती है, पर सही समय पर जोन्स उसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, और अब जैसे ही वो उसके तरफ आती है, जोन्स हेलीकॉप्टर के एक पंखे को सामने रखकर सीधे मेगलोडॉन के सिर के आर पार कर देता है, जिससे मेगलोडॉन भी मारी जाती है। इसके बाद अब तीनों जैसे ही किनारे पर आने वाले होते कि तभी वहाँ एक और मेगलोडॉन आ जाती है, जो मैक्स की पाली हुई थी, और इस बार जब मैक्स सोनार साउंड बजाता है तो वो मैक्स को देख लेती है और उस पर हमला ना करते हुए चुपचाप वहाँ से चली जाती है, जो देखकर मैक्स एकदम खुश हो जाता है। इसके बाद वहाँ कुछ रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आते हैं, जो सभी आइलैंड में फंसे लोगों को बचाने आए थे, जो देखकर सभी के जान में जान आती है, जिसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।